प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहरनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपका आभारी। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य बुध मंगल राहु ग्रह की युक्ति, सूर्य बुध मंगल राहु ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन से कैसा खेलता, खेल क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है। जिसके लग्न में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, चैतवान होते हैं। जिसके दूसरे भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, संघर्ष अधिक करते हैं, बिना परिश्रम बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता का सुख पाते हैं, भाई बंधुओं का सुख पाते हैं। ऐसे लोगों को माता पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है और उदार दयालु होते हैं। जिसके चौथे भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ये पराक्रमी होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, परंतु जिद्दी और क्रोधी होते हैं। जिसके पाँचवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ये प्रशासनिक शिक्षा पाते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा पाते हैं, न्याय संबंधी शिक्षा पाते हैं और उसी से उन्नति करते हैं। जिसके छठवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ये चैतवान होते हैं, निजर होते हैं, शत्रु विहीन होते हैं। इनके जीवन में कभी केस मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता है। जिसके सातवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, पारिवारिक जीवन सही नहीं रहता है, शादी विवाह में रुकावट आती है और मानसिक पीड़ा में रहते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, इन अपने को बहुत ही ये रिजर्व रखते हैं, जल्द किसी पर विश्वास नहीं करते। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ये उद्योगपति होते हैं, उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इनके पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके ग्रहवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग केमिकल धातु कपड़ा गल्ला संबंधी व्यापार करते हैं, शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं और पूर्ण सफल होते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में सूर्य बुध मंगल राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ये हमेशा मानसिक पीड़ा में रहते हैं, जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाते। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराने की इच्छा रखता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग याद कर लीजिए, 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, सुबह से।